हाउस टैप। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट। दोस्तों, नंबर एक ऑलराउंडर एवं बांग्लादेश के कप्तान साकिब पर बुके से हुई बात को छुपाने को लेकर बैन लग चुका है। आपको बता दें कि साकिब अल हसन कोई युवा खिलाड़ी नहीं, उन्होंने देश के लिए 56 टेस्ट, 206 वनडे और 76 टी20 मुकाबले खेले हैं। मैच फिक्सिंग को लेकर आईसीसी की कई वर्कशॉप में हिस्सा ले चुके हैं, बावजूद इसके वे मैच फिक्सिंग को लेकर फैलाए गए बुकी के जाल में फंस गए। यही वजह रही कि जब तीन बार उन्हें मैच फिक्सिंग के ऑफर मिले और एक बार भी उन्होंने आईसीसी की एंटी करप्शन यूनिट को इसकी जानकारी नहीं दी तो उन पर शिकंजा कसता चला गया। आखिरकार बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर को 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। आईसीसी ने साकिब अल हसन से जुड़े इस मामले में भारतीय सटोरिये दीपक अग्रवाल का नाम अपनी प्रेस रिलीज में जाहिर किया है। दीपक अग्रवाल ही वो बुकी हैं जिसने मैच फिक्स करने के लिए लगातार साकिब अल हसन से संपर्क और यहां तक कि उन्होंने बिटकॉइन तक के बारे में भी बताया। दीपक अग्रवाल ने साकिब से उनके बैंक अकाउंट की जानकारी भी मांगी। व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हुई इस बातचीत का लेखा जोखा आईसीसी ने जारी कर दिया है। साकिब अल हसन सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडरों की सूची में टेस्ट में तीसरे, वनडे में पहले और टी20 रैंकिंग में दूसरे नंबर पे हैं। यही वजह है कि आईसीसी भी इस बात को लेकर हैरान है कि आखिर इस खेल का यह बेहतरीन ऑलराउंडर एंटी करप्शन यूनिट को मैच फिक्सिंग के ऑफर की जानकारी देने में विफल कैसे रहा। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि उनकी और बुकी के बीच में क्या बातचीत हुई थी जिसे उन्होंने सबसे छुपाने की कोशिश की थी और फिक्सिंग के इस काले कारनामे की शुरुआत आखिर हुई कहां से थी। आईसीसी ने जो रिलीज जारी की है उसके अनुसार दीपक अग्रवाल ने सबसे पहले नवंबर 2017 में साकिब अल हसन से बात की थी। तब बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेली जा रही जिसमें साकिब ढाका डायनामाइट टीम की ओर से हिस्सा ले रहे थे। साकिब का नंबर दीपक को उनके ही एक करीबी इंसान ने दिया था। इसके बाद दीपक ने साकिब को लगातार मैसेज किए और उनसे मिलने की कोशिश करता रहा। वर्ष है जनवरी 2018। बांग्लादेश ने त्रिकोणीय वनडे सीरीज के लिए श्रीलंका और जिम्बाब्वे की मेजबानी की। फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश ने श्रीलंका को हरा दिया और इस मैच में साकिब अल हसन मैन ऑफ द मैच चुने गए। बुकी दीपक अग्रवाल ने इस प्रदर्शन के लिए साकिब को बधाई संदेश भेजा और उसके बाद कोड वर्ड में एक मैसेज भेजा जिसकी जानकारी आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट को अन्य स्रोतों से मिल गई और वह आगाह हो गई। इस मैसेज में दीपक ने कहा, क्या हम इस पर काम कर सकते हैं या फिर मैं आईपीएल तक इंतजार करूं। इस मैसेज का मतलब था कि साकिब टीम की अंदरूनी जानकारी अभी मुहैया कराएंगे या आईपीएल में। साकिब ने इस बात की जानकारी न तो आईसीसी की एंटी करप्शन यूनिट को दी और न ही अन्य किसी अथॉरिटी को। अब बात है अप्रैल 2018 की। आईपीएल 2018 में 26 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच मैच खेला गया था। ये मैच हैदराबाद में हुआ और मैच वाले दिन ही साकिब के पास दीपक अग्रवाल का मैसेज आया। ये वही बातचीत थी जिसके बाद साकिब ने दीपक से मिलने की इच्छा जाहिर कर दी थी। दीपक अग्रवाल ने साकिब को व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछा कि क्या अमुक खिलाड़ी इस मैच में प्लेइंग 11 में शामिल होगा। इसके बाद टीम के अन्य अंदरूनी जानकारी भी मैसेज के जरिए मांगी गई। 26 अप्रैल 2018 के दिन किए गए इन मैसेज के अलावा कई डिलीट मैसेज भी थे जिनके बारे में साकिब ने माना है कि ये मैसेज टीम की अंदरूनी जानकारी मांगे जाने से संबंधित है जिन्हें उन्होंने डिलीट कर दिया। यही वो पल था जिसके बाद साकिब को इस मामले की गंभीरता का अंदाजा हुआ, मगर एक बार फिर उन्होंने इसकी जानकारी किसी भी संबंधित अथॉरिटी को नहीं दी। बुके दीपक अग्रवाल ने मैसेज के जरिए साकिब अल हसन से बिटकॉइन को लेकर भी बात की थी और उनके डॉलर अकाउंट की जानकारी भी मांगी थी। आईसीसी की एंटी करप्शन यूनिट ने इस मामले में साकिब अल हसन से 2 बार पूछताछ की थी। इस साल 23 जनवरी और 27 अगस्त को आईसीसी अधिकारी साकिब से मिले थे जिस मैच में फिक्सिंग का ऑफर था। उस मैच में साकिब के प्रदर्शन की बात करें तो साकिब अल हसन ने आईपीएल 2018 के इस मुकाबले में गेंद और बल्ले से अच्छा प्रदर्शन किया था जिसकी वजह से उनकी टीम को बेहतरीन जीत मिली थी। मैच में हैदराबाद की टीम पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 132 रन पर सिमट गई थी। हालांकि जवाब में किंग्स इलेवन पंजाब की टीम 19.2 ओवरों में 119 रन ही बना सकी और 13 रन से मुकाबला हार गई। साकिब ने इस मैच में 29 गेंद पर 28 रन बनाए और 3 ओवर में मौजूद 18 रन देकर 2 विकेट भी अपने नाम किए। साकिब के क्रिकेट करियर की बात करें तो बांग्लादेश के टेस्ट और टी20 कप्तान साकिब अल हसन ने अपने करियर में 56 टेस्ट मैच खेले हैं। इनमें उन्होंने 39.40 की औसत से 3,862 रन बनाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 217 रन है। इस प्रारूप में उनके नाम 5 शतक और 24 अर्धशतक हैं। वहीं टीम के लिए 206 वनडे खेलकर साकिब ने 37.86 की औसत से 6,323 रन बनाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 134 रन है। इस दौरान साकिब के बल्ले से 9 शतक और 47 अर्धशतक निकले। बांग्लादेश के लिए साकिब ने 76 टी20 मुकाबले भी खेले हैं। इनमें उन्होंने 23.74 की औसत से 1,567 रन बनाए हैं। इस प्रारूप में उन्होंने 9 अर्धशतक जड़े हैं। आज हमने आपको साकिब और बुकी के बीच हुई बातचीत की जानकारी दी। क्रिकेट से जुड़ी किसी भी खबर को तुरंत पाने के लिए हमारे चैनल को चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।